हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस, आज मेरे पास एक सेटअप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर का कहना है कि मेरा स्पीकर नहीं चलता है इस पे, तो इसको एक बार पावर लगा के चेक करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे ही केबल है, लगा देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे मत करिएगा, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना। लगा के पहले पावर चेक करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें लाइट नहीं जल रहा है, यानी कि इसके पावर सर्किट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फटाफट इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले तार निकाल लेते हैं, इसे करंट लगने का खतरा रहता है। आप भी कभी भी जब घर पे कुछ करो तो पावर का तो विशेष ध्यान रखा करो। आप खोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं खुल गया है। और इसमें ये देखिए, इसका जो ऑडियो सर्किट में जहाँ से पावर चलता है वो तार टूटा हुआ है। ये सर्किट यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। इसके अलावा इसमें और भी फॉल्ट हो सकते हैं, एक बार फ्यूज चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम यहीं से आता है, फ्यूज ही कट जाता है। तो जैसा कि आप शायद देख पा रहे हो, फ्यूज़ तो बिल्कुल ओके है। इसको लगा देते हैं। अब इसके बाद हम मल्टीमीटर से ना इसका जो आउटपुट पावर आ रहा है, कितना आउट कर रहा है वो देखते हैं, हमें बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले पावर लगा लेते हैं सेफ्टी के साथ। थोड़ा पावर का तो फुल सेफ्टी रखना पड़ता है, अभी हमें आदत पड़ गया है ऐसा, तो हम लगा लेते हैं ऐसे, लेकिन आप लोग मत करिएगा, प्लग वगैरह लगा के करिएगा घर पे कभी भी। मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसमें पावर कितना हमें ये आउटपुट दे रहा है। लगा लेते हैं, देखते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। जैसा कि इसका जो पहला वाला पिन है, इस पे 3.3 वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन अभी मोस्टली हम 12 वोल्टेज और 24 वोल्टेज और 5 वोल्टेज को चेक करते हैं। यानी तीसरे वाले पिन पे हमें 12 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ करीब 7-8 ऐसे ही आ रहे हैं, 7-8 वोल्टेज करीब में दिखा रहा है। अब पांचवा पिन देखते हैं, जिसमें 24 आना चाहिए था, 22 भी आता है, लेकिन 24 लिखा होता है, 22 इनफ होता है, यहाँ पूरा नहीं मिल पा रहा है। यानी 5 वाला भी पूरा नहीं आ रहा, 22 वाला भी पूरा नहीं आ रहा है, और 12 वाला भी पूरा नहीं आ रहा है। तो गाइस, अब इस कंडीशन में हमारे पास एक नया बोर्ड पड़ा हुआ है इसका, पावर सप्लाई का, तो अभी हम उसी को ही लगाने वाले हैं, क्योंकि पहले से ला के रखा हुआ है वो, तो हम वही लगा देते हैं और इस बोर्ड पे हम बाद में काम करके इसको सही करेंगे। तो पहले इसको उखाड़ लेना है, इसको निकाल देना है, और ये पावर की जो लीड है इसको निकाल लेना है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा पावर सप्लाई लगाने में, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हम अच्छे से बताएंगे पावर सप्लाई कैसे लगाया जाता है। देखिए, इसके जो चारों होल हैं, ये चारों लेग में फंसा लेना है। देखिए इस तरह से। गाइस, हम आप लोगों के लिए टेक्निकल से जुड़ी हर एक वीडियो लेके आएंगे। मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं सभी तरह के वीडियो बना सकता हूँ, नेटवर्किंग लाइन का, इधर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का, इधर फैन रिपेयरिंग का, मैं सब कुछ वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं सभी तरह के वीडियो इस चैनल पर डालता रहूँगा। पावर केबल के लीड को सोल्डिंग कर लेते हैं। इसका एक लेग डायरेक्ट कार्ड में लगाना है, और दूसरा जो इसका लेग है पावर केबल वाली, जो दूसरी केबल है, इसको हम ऑन ऑफ वाली बटन पे लगाएंगे एक पिन पे। और ये जो छोटा वाला टुकड़ा भी मेरे हाथ में है, इसको मैं बोर्ड पे लगाऊंगा, और फिर बोर्ड से इसका दूसरा सिरा ऑन ऑफ वाली बटन पे जोड़ दूंगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारा दूसरा तार जुड़ रहा है। ये पहले चेक कर लीजिए अच्छे से जुड़ गया है या नहीं।
इसका दूसरा सिरा इस ऑन ऑफ वाले बटन में लग जाएगा, और एक लीड वाले जो वाइट वाली तार है वो पहले से जुड़ी ही है। पावर का दूसरा, एक तो हमने बोर्ड में जोड़ दिया है ये, और ये दूसरा जो है ऑन ऑफ वाले बटन में पहले से जुड़ा हुआ है। इसको अच्छे से साइड में कर देते हैं ताकि दिक्कत ना करे। अब ये जो साउंड वाला है इसको भी पावर सप्लाई देना है, तो पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं ये पावर सप्लाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो कार्ड से आउटपुट वाला ये जो पावर सप्लाई का आउटपुट निकल रहा है इसको कार्ड में लगा लेना है। अच्छे से लगा लीजिए इसको दबा के, इसको साइड में रख देते हैं अभी फिलहाल। अब पावर सप्लाई देते हैं इसमें, सिम बिजली हमने दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेटअप बॉक्स ऑन हो गया है, ये देखिए मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, पावर सप्लाई चेंज ठीक ठाक हो गया है। अब मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव किधर है, क्योंकि अगर हम ऐसे लगा देंगे तो इससे हमारा जो ऑडियो का सर्किट है वो जल जाएगा। तो पहले इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पता कर लेते हैं, यानी प्लस और माइनस। इसी दोनों पॉइंट पे ऑडियो का सर्किट लगेगा, यानी ऑडियो को यहीं से पावर मिलेगा। तो राइट साइड वाला पॉजिटिव है, अब राइट साइड वाले में हम पॉजिटिव वाला तार जोड़ देंगे। तो जल्दी से इसे सोल्व कर लेते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, और एक एक चीज़ हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए। इसको अच्छे से जोड़ लेना है, जुड़ गया है, देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी वर्क करने लगेगा। तारों को अच्छे से सेट करके लगा देना है। फिर से एक बार पावर सप्लाई देते हैं। तो गाइस देखिए सेटअप बॉक्स ऑन हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपना सपोर्ट बना